वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सूरज या चंद्रमा पर ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना है जो हर साल अलग अलग समय पर घटती है। ग्रहण को राशि और लोगों के भाग्यों से जोड़कर देखा जाता है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे जिसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। साल का पहला ग्रहण 26 मई को लगेगा जो चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण को भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका के हिस्सों में देखा जाएगा। इसके अलावा इस चंद्र ग्रहण को प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के साथ अंटार्कटिका में भी साफ साफ देखा जा सकेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। साल 2021 का पहला ग्रहण और पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 2:17 पर शुरू होगा। यह चंद्र ग्रहण शाम 7:19 तक देखा जा सकेगा। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से पूरी तरह ढक जाएगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के हर हिस्से में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सोता काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां सोता काल मान्य नहीं होता है। बता दें कि चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व होने के साथ साथ धार्मिक और ज्योतिष महत्व भी होता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन लगेगा। साल 2021 में सिर्फ 2 चंद्र ग्रहण होंगे। 26 मई के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा या आंशिक होगा, जो दुनिया के कुछ इलाकों में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद ये पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील होता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।